खजुराहो लोकसभा से सांसद विष्णु दत्त शर्मा से कैमरा 24 संवाददाता राजीव शुक्ला ने मुलाकात कर खजुराहो में चल रही टूरिज्म की समस्याओं को लेकर चर्चा की। बता दें कि छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो में इन दिनों आमजन द्वारा गैर राजनीतिक खजुराहो बंद का ऐलान किया गया है, जिसका मुख्य मुद्दा खजुराहो में गिरते पर्यटन को लेकर रेल तथा एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की जा रही है। चर्चा के दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी का ही प्रश्न उठाया था। जानकारी दी गई कि खजुराहो में तत्कालिक तौर पर एयर इंडिया की फ्लाइट चालू कराई गई है, जबकि दिल्ली से आगरा, खजुराहो और बनारस के रूट की स्वीकृति हुई है। खजुराहो सांसद ने बताया कि प्राइवेट एजेंसी से भी बात की जा रही है, जिससे कि निजी फ्लाइट भी खजुराहो में चालू हो सकें। बताया गया कि खजुराहो को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड के सभी सांसदों द्वारा मिलकर प्रयास किया जा रहा है। खजुराहो में एयर कनेक्टिविटी को लेकर जो बंद चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एयर कनेक्टिविटी के बारे में जैसे ही मैं सांसद बना, खजुराहो की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैंने सबसे पहले लोकसभा के अंदर अगर कोई प्रश्न उठाया तो खजुराहो एयर कनेक्टिविटी का विषय ही मैंने उठाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विषय उठाया। और आज मैं माननीय हमारे जो मंत्री हैं एविएशन के, उनको धन्यवाद देता हूँ कि तत्काल उन्होंने एयर इंडिया के हमारे जो CMD थे उनसे भी मिला था, उन्होंने जो खजुराहो की एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जो बंद हो गई थी वो चालू हो गई। उसके बाद एक मांग आई थी मुझे वहाँ के टूरिस्ट लोगों ने और अपने सभी लोगों ने आग्रह किया था कि दिल्ली, आगरा, खजुराहो और बनारस का ये रूट बने, वो रूट भी मान्य हो गया और उसकी स्वीकृति हो गई और उस पर फ्लाइट शुरू हो रही है तत्काल। अभी मैंने स्पाइस जेट और इंडिगो के जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे मेरी बात हो रही है, उनसे भी हम मिल रहे हैं कि प्राइवेट कोई अगर एजेंसी के लोग अगर वहाँ पर फ्लाइट शुरू करते हैं तो उसका भी एक लाभ मिलेगा, तो ये भी इसकी भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इन सारे विषयों में जो हो सकता है वो सारी चीज़ें, फ्लाइट कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से होगी। डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट की मैंने मांग की है कि दिल्ली से खजुराहो और मुंबई, मुंबई कनेक्ट हो, जिससे व्यापारियों से लेकर के उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है। बुंदेलखंड के हम सभी सांसदों ने, उसमें हमीरपुर के हमारे पुष्पेन चंदेल भी हैं, आर के पटेल साहब भी हैं, अनुराग शर्मा झांसी के हैं, गणेश सिंह हमारे सतना के हैं, हम सब लोगों ने मिलकर के सामूहिक प्रयास किया है कि खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्लाइट कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, सिर्फ क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यक है, टूरिस्ट के लिए आवश्यक है। खजुराहो के अंदर, खजुराहो के सौंदर्य के लिए ASI में आया हुआ पैसा अभी तक क्यों खर्च नहीं हुआ? वहाँ के तालाबों का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ? वहाँ के तालाबों को मछली पालन के लिए उपयोग क्यों आज तक किया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार में पैसा पेंडिंग पड़ा है, केंद्र से गया हुआ, वो अभी तक खर्च क्यों नहीं हो रहा है? खजुराहो की जनता को इस बात को भी उनकी जानकारी में आना चाहिए कि यहाँ पर आया हुआ पैसा वहाँ के किसी बड़े नेता के तालाबों में मछली पालन करने के कारण से, तालाब खजुराहो का जो दुनिया का बर्ड हेरिटेज है, उन तालाबों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, मछली पालन होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जो चीज़ें हो रही हैं इसकी भी बात उठनी चाहिए। और मैं जनता से अपील करूंगा, मैंने अभी ये मांगा है डिटेल ASI के अधिकारी से कि जरा मुझे बताइए कितना पैसा केंद्र ने भेजा और आपने यहाँ के सौंदर्यीकरण में, तालाबों के बारे में कितना खर्च किया है।